विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पार्टी के उनके बाद का जो शीर्ष नेतृत्व है समाज के किसी भी वर्ग का, वो अब वोट महागठबंधन को जदयू के उम्मीदवार को दिला नहीं सका। ये उनके लिए चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए। और अब वहाँ पर जो लोग स्थानीय स्तर पर जदयू और राजद से अलग हट करके मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली भूमिका में थे और चैंपियन बने हुए थे महागठबंधन के लिए, तो उन लोगों ने काफी क्षति पहुंचाई है महागठबंधन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टेंशन दे दी है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा उससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस के तेवर अब क्या है। आरजेडी जो ट्रीटमेंट दे रही थी कांग्रेस को, अब कांग्रेस को शायद वो मंजूर नहीं है। सरकार में जो हिस्सेदारी कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस को उससे संतोष नहीं है, या कांग्रेस को वो मंजूर नहीं है। सरकार को और बड़ी हिस्सेदारी सरकार में चाहिए। अखिलेश सिंह के सामने ये चुनौतियां हैं कि कांग्रेस को जिस तरह से उसके सहयोगी दल ट्रीट करते हैं उस ट्रीटमेंट से उबारे। अखिलेश सिंह के सामने दूसरी कई चुनौतियां हैं। हमारे साथ बिहार की राजनीति के दिग्गज शख्सियत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार में मंत्री रहे, राम जतन सिन्हा हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश सिंह ने की, और जिस तरह से उनके तेवर नजर आ रहे थे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो हिस्सेदारी मिली हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, नीतीश कुमार से मिलेंगे, दो मंत्री पद और चाहिए। इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको उनके कड़े तेवर के रूप में नहीं देख रहे हैं जी। हम इस रूप में देख रहे हैं कि अध्यक्ष होने के नाते किसी भी अध्यक्ष का फर्ज होता है कि पार्टी के लिए अधिक से अधिक दावेदारी करे। यह दावेदारी कोई इशू नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं कि इस स्टेज में। और अखिलेश प्रसाद सिंह समझदार होशियार आदमी हैं और वो बेहतर तालमेल कायम करेंगे जो सहयोगी दल हैं, राजद हो या जदयू हो, इसमें मुझे शक नहीं है। लेकिन अभी कोई इस मामले को बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझदार वो हैं और पार्टी को मजबूत करने में अपना समय लगाना चाहिए और वो लगाएंगे। कुर्नी में जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले आपसे बातचीत हुई, नतीजों से पहले आपसे बातचीत हुई। कुर्नी के नतीजे अब आ चुके हैं, नतीजे आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन चूंकि आज आपसे बात हो रही है, कुर्नी के नतीजे को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी से पहली लड़ाई नीतीश कुमार हार चुके हैं, पहला मौका था दोस्ती टूटने के बाद जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थे। देखिए, जो कुर्नी का चुनाव परिणाम है उस पर तो हम समझते हैं कि महागठबंधन को और विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका जो पार्टी के उनके बाद का जो शीर्ष नेतृत्व है समाज के किसी भी वर्ग का, वो अब वोट महागठबंधन को जदयू के उम्मीदवार को दिला नहीं सका। ये उनके लिए चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए और वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, सही तो समझेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदेश इकाई फॉर्मेशन के स्टेज में था, तो उसमें कोई जिम्मेवारी और भूमिका जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी नहीं हो सकती थी, इसलिए इनको तो आप उससे मुक्त रखिए। अब वहां पर जो लोग स्थानीय स्तर पर जदयू और राजद से अलग हट करके मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली भूमिका में थे और चैंपियन बने हुए थे महागठबंधन के लिए, तो उन लोगों ने काफी क्षति पहुंचाई है महागठबंधन को। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है समाज को भी और विभिन्न पार्टियों को भी।
और सुरेश शर्मा जी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सुरेश शर्मा जी को साहब जो उम्मीदवार विजय हुआ वो स्पष्ट ही कह रहा है अपने मुंह से कि हमारे जीत में सबसे बड़ी भूमिका सुरेश शर्मा जी की है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। दूसरा जो उम्मीदवार था भाजपा का, तो उसका भी अपना सामाजिक जो समीकरण था, जो वोट था, वो बड़े पैमाने पर था। और दूसरा बड़े पैमाने पर वोट था ऊंची जातियों का, जिसमें भूमिहार नंबर दो पर था। तो ये सारे तमाम लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। अब इस पर किस रूप में लेना है, एक केवल नीतीश जी को ही सोचना और समझना है। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार बड़ी जल्दी निपट गए, उनको अब आश्रम चले जाना चाहिए। क्या टेस्ट हो गया नीतीश कुमार का इस उपचुनाव में, या फिर असली टेस्ट जो है महागठबंधन का नीतीश कुमार का वो 2024 के लोकसभा चुनाव में होना है? हम समझते हैं कि नीतीश जी का टेस्ट, और जहां संन्यास की बात है तो विरोधी दल है भाजपा वो बोलेगा ही, लेकिन उनको एक बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि एक कहावत है कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उनके अगल बगल जो घेरा है नीतीश जी से ज्यादा, उनके अगल बगल जो लोग हैं उनके सामने कैसा व्यवहार करते हैं, पब्लिक के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसके बारे में नीतीश जी को हम समझते हैं कि बेहतर जानकारी होनी चाहिए, और इस पर उनको पुनर्विचार करके अपने इर्द गिर्द के जो घेरा है उसको मजबूत बनाना चाहिए, आकर्षक बनाना चाहिए और पब्लिक उन्मुखी बनाना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों में अच्छी धारणा नहीं है, उससे उनको निपटना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के पूर्व मंत्री राम जतन सिन्हा, और कभी नीतीश कुमार के सियासी दोस्त भी रहे, सलाह दे रहे हैं कि सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। कुंडली के जो नतीजे आए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस ने जो कल बड़ी डिमांड की है दो मंत्री पद की, उस पर भी बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।